How much? Which one? What kind? How many? So, these things are like adjectives which add something to noun or pronoun. Let's take an example to understand it much better. Example I loved that pink dress. So, in this, you can see that that pink dress. So, I have specifically mentioned that I loved but that pink dress only. So, that pink is the adjective in this sentence.

he is hungry. so in this you can see that they are like describing noun or pronoun. he is a pronoun and what he is doing, he is hungry. so it is like an adjective which is giving description. then we have second adjective which is proper adjective. these adjectives are the form of proper noun. when proper noun describe other nouns or pronouns they become proper adjective right so they are the form of proper noun proper noun ka form hoti hai example can be i love dominos pizza so here you can see that adjectives are describing proper noun noun can be anything pizza can be a noun but i am specifically saying that i love dominos pizza all right up next we have possessive adjectives it suggests that something that belongs to someone simple possessive we

Let's take an example. That car is mine. Those flowers are beautiful. So you can see that in this we use this, that, mine, yours, those, these. So they tell direct relation to noun or pronoun. Indefinite adjectives. They describe a noun unspecifically. Common indefinite adjective kya Few, some, more, much. पल कैन बी गिव मी समुगर सो आई एम जस्ट से कि मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो तो so दैट थोड़ी सी इज इन डेफिनेट एडजेक्टिव बिकॉज वी रियली डोट नो हाउ मच ही इज आस्किंग फॉर वेन यू कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट क्वांटिटी यू नीड तब हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज करते हैं अब नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड एडजेक्टिव वेन कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाई अदर नाउन दे आर ऑफन सेपरेटेड बाई ए हाईफेन और जॉइंट टूगेदर बाय अ क्वेश्चन मार्क सिंपल कंपाउंड एब्जेक्टिव वो होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं नाउन्स को लेकिन या तो हम हाईफिन यूज कर रहे हैं या क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं कोई भी चीज यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट देम और इन ऑर्डर टू सेपरेट देम जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है आई सॉ सिक्स फूट लॉन्ग स्नेक तो हेयर यू कैन सी सिक्स देन हाईफिन फूट देन हाईफिन देन लॉन्ग देन स्नेक So, यहाँ पे हाइफिन से या तो उनको ज्वाइन किया जाता है या सेपरेट किया जाता है उनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं देन वी हैव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एज यू ऑल नो दैट इंटेरोगेटिव मीन्स पुटिंग is सो like, what, क्वेश्चन विच इज लाइक वॉट वेन दोज example सो एग्जाम्पल कैन बी is दिस विच बुक डू यू हैव सो दिस इज सिंपल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव देन वी हैव थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री जस्ट लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड की वॉट द डिग्री सेज सो वी हैव एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव डिग्री इज शी इज अ गुड गर्ल अब नाउ यू कैन सी दैट इट इज इंडिकेटिंग समथिंग गुड अबाउट अ गर्ल सो शी इज अ गुड गर्ल देन इन कंपेरेटिव डिग्री शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल सो यहाँ कंपेरिजन हो रहा है कि वो बेटर है किसी और लड़की से उसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री शी इज द बेस्ट गर्ल अब इसमें डिक्लेरेशन हो गए कि वो तो बेस्ट है नो कंपेरिजन नथिंग इट्स इज जस्ट शी इज द बेस्ट सो ये तीन डिग्रियां होती है एडजेक्टिव की जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो हमें पता चल सकता है कि हम किस टाइप का एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं लाइक like, बेस्ट दिखाने के लिए कंपेयर करने के लिए या हम किस टाइप का सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सेंटेंस आवर सेंटेंस